हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो चलिए, थर्ड पार्टी डेली अपडेट में हमारा टॉपिक जो है वो आज इस बात के ऊपर है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर क्यों लग रहा है। क्या पता चला है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में? क्या इसकी पहचान है जो आपके पार्टनर डर रहे हैं इस थर्ड पार्टी से, जिससे आजकल पार्टनर बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में मुझे दिखाई दे रही है। क्या वजह है? क्या आपके पार्टनर को डर लगने की वजह क्या है? क्यों, किस बात का डर आपके पार्टनर को सता रहा है? क्या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को डरा रही है? तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से किस बात का डर है, क्या डर सता रहा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से, वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे। कहीं वो आपको खोने से तो नहीं डर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी उन पर बहुत बर्डन दे रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को डरा रही है? तो रिश्तों को लेकर कहीं आपके पार्टनर के मन में थॉट्स आ रहे हैं या फिर क्या फीलिंग्स है, वो सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड पार्टी अभी क्या फील कर रही है आपके पार्टनर को लेकर, और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्यों डर लग रहा है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से, है ना? तो आज का टॉपिक जो है इसी बात के ऊपर है। ओके, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर क्यों लग रहा है। ऐसा क्या होने वाला है आपके पार्टनर की जिंदगी में जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर लग रहा है? ऐसा क्या होने वाला है जो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर लग रहा है? ऐसा क्या करने वाली है ये थर्ड पार्टी जिससे आपके पार्टनर जो है परेशान हो रहे हैं, आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं? ऐसा क्या थर्ड पार्टी की बातें हैं जिससे आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज हो रहे हैं? हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जहां पर थर्ड पार्टी जो है कुछ बातें प्लान कर रही है, कुछ चीजें प्लान कर रही है, जिसके चलते आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज भी हैं और आपके पार्टनर जो है वो इस बात पे डर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही अजीब आ रही है डियर, कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज्यादा हेडेक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी की चीजें दिखाई दे रही है। काफी कार्ड्स हमने निकाल लिया है और यहाँ से अगर आप देखें तो डियर, ये थर्ड पार्टी जो है वो क्या चाह रही है? थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्क करती हुई दिख रही है और ये नेगेटिव वर्क का जो रिजल्ट होने वाला है, जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने किसी से बात करी है, किसी से कम्युनिकेशन करी है और आपके पार्टनर ने ये बातें सुन ली है, इसीलिए आपके पार्टनर को आजकल बहुत डर लग रहा है इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से। ओ माय गॉड, अगर डर ना लगे तो ये कार्ड कैसा? यहाँ पर आपके पार्टनर को मैंने कहा ना कि इस बात का डर है। देखिए, बॉटम की एनर्जी को मैं यहाँ रखना चाहूंगी ताकि एनर्जीज जो है हमें क्लियर रहे, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर ये मैजिशियन है। आप समझ सकते हैं ये दोनों ही कार्ड जो दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने किसी से छुप छुप कर कुछ बातें कर ली है, कुछ तो ऐसा करा है जिससे आपके पार्टनर को घबराहट हो रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी की प्लानिंग सुन ली है, थर्ड पार्टी के कुछ बात सुन ली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से आपके पार्टनर को गुजरना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है आपके पार्टनर की। यहाँ पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी के दिमाग में आप ही आप चलते हो 24 घंटे। वो अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए 24 घंटे आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान करती रहती है। जब इंसान अपने कानों से सुन लेता है ना, तो फिर उसको बहुत बेचैनी होती है। और देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ऐसा करने वाली है या कुछ ऐसा प्लान करने वाली है जिससे आपके पार्टनर को डर लग रहा है। आपके पार्टनर को, जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं था, जो कभी किसी के आगे डरता नहीं था, वो इंसान जो है उसका दिमाग अभी कंफ्यूजन में है, वो भी कहीं ना कहीं किसी बाउंड्रीज में फंस चुका है, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर जो है बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत ज्यादा आइसोलेशन वाली एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। कार्ड्स बिल्कुल एक्यूरेट निकले हैं डियर, आपको भी पता चल चुका होगा कि एनर्जीज जो है वो होती है। देखिए, हमारा टॉपिक जो है उसी तरह से एनर्जीज निकली है कि ये थर्ड पार्टी जो है आखिरकार आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी से डर
क्यों लग रहा है, ऐसी क्या वजह है जब मुझे कार्ड देख के डर लग रहा है तो आपके पार्टनर को भी डर लगना जायज है। देखिए, जिससे आजकल आपके पार्टनर जो हैं बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं, आपके सामने कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं क्योंकि उनको रियली थर्ड पार्टी की एनर्जी देखकर, थर्ड पार्टी की बातें सुनकर बहुत सारी चीजें परेशान कर रही है, बहुत सारी चीजें जो है डर में उनको जीने को मजबूर कर रही है। तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है ना। यूं समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी लगा रही है झूठे झूठे इल्जाम आपके पार्टनर के ऊपर। तो जब कोई इंसान हद मतलब बराबरी से झूठ बोला है, दोनों ही मिलके कहीं ना कहीं कोई कांड करे थे, और जब चीजें जो है खराब होने लगी या जब चीजें जो है हालात जो है बुरे होने लगे, तो उसका इल्जाम आपके पार्टनर के ऊपर लगा रही है ये थर्ड पार्टी। हो सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन जो चल रहा था उसमें चीजें जो है डाउटफुल होने लगी है, या आपके पार्टनर अब जिम्मेदारी सही नहीं कर पा रहे, या थर्ड पार्टी सही से नहीं निभा पा रही है रिश्ता, तो इसका इल्जाम जो लगा रही है, इसकी चीजों का जो ब्लेम ये कर रही है वो आपके पार्टनर के ऊपर कर रही है, और आपके पार्टनर को ये बात बहुत हर्ट कर रही है, उनके ईगो को हर्ट कर रही है ये बात कि उनके साथ में ऐसा कैसे कर सकती है ये थर्ड पार्टी। जो इल्जाम थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लगा रही है, अब पार्टनर को अपनी अहमियत यानी आपकी अहमियत उनको रियलाइज हो रही है। पहले क्या हो रहा था कि इन्होंने थर्ड पार्टी के चक्कर में आपकी अहमियत को कोई मायने नहीं दिया है, लेकिन अब ये हो रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं आपकी अहमियत को जान पाए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ऐसा इल्जाम इनके ऊपर लगा दिया है जो इल्जाम सुन के पार्टनर को तो ऐसा लग रहा है कि ये कैसे थर्ड पार्टी इनको इतना बड़ा गुनहगार बोल सकती है, कैसे थर्ड पार्टी जो है इनको ब्लेम कर सकती है। बार बार थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कहती है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन रखा था, इसके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे थे, ये मैरिड पर्सन थी और आपके पार्टनर जो थे इसके साथ में अटैच हुए थे या हुई थी, तो आपके पार्टनर को अब ये थर्ड पार्टी ब्लेम करती है कि तुमने हमारी जिंदगी में आकर बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, तुमने हमारे बच्चों को अनाथ कर दिया, तुमने हमारी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, तुम हम लोगों को टाइम नहीं देते हो, तुम हमारे साथ में रह नहीं सकते हो। तो इस तरह की ब्लेम ये थर्ड पार्टी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आए, ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ में टाइम स्पेंड करे, ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर एक पल को भी आपके बारे में सोचे। तो नए नए ब्लेम करती रहती है, 24 घंटे कुछ ना कुछ इल्जाम लगाना, कुछ ना कुछ प्लानिंग करना, बस यही में इसका दिमाग जो है लगा रहता है ना। देखिए, जिस बात का डर था ना आपको, वही तो हो रहा है। आपको डर रहता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको डर रहता है कि आपके पार्टनर जो हैं चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वही चीजें मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। तो देखिए, थर्ड पार्टी ने जो झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं ना, जो झूठी झूठी बातें बोली है, उससे पार्टनर के दिल को ठेस भी पहुंची है। पार्टनर को बहुत बुरा लगा है, पार्टनर को ऐसा फील हुआ है कि जैसे कि थर्ड पार्टी उनको जूते मार रही है, थर्ड पार्टी उनकी रेपुटेशन को गिरा रही है, थर्ड पार्टी जानबूझ के आपके पार्टनर को सबके सामने कहीं ना कहीं बेनकाब कर रही है, ये पार्टनर को ऐसा लग रहा है। हालांकि आपके पार्टनर बेवजह ही इसमें उलझे हुए हैं, बेवजह आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे थे, इसको पैसा दे रहे थे, रुपया दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, उसके बावजूद ये थर्ड पार्टी जो है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को और ज्यादा अपने क्लोज लाने के लिए, और ज्यादा अपने करीब लाने के लिए ये इनको किसी ना किसी तरह से षड्यंत्र में फंसा रही है। आपकी खामोशी का असर भी यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की हरकतें देखकर, आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी क्रिएट करी, जो थर्ड पार्टी के साथ में इन्होंने रिलेशन रखा, वो बातें आपको बहुत परेशान करती है, और उस बातों से आप ऐसे खामोश हुए, आपने अपनी जुबान पे ताला लगा लिया, आप इस पार्टनर को एक भी जवाब नहीं देते हो, आप इस पार्टनर से कुछ बात ही नहीं करते हो कि ये कब आ रहा है, कब जा रहा है, कब आ रही है, कब जा रही है, क्या इसकी जिंदगी में चल रहा है। आप बस देख रहे हो तमाशा कि ये कब तक चलेगा इस थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का रिलेशनशिप। आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, लेकिन आपकी
खामोशी, आपका साइलेंट पना आपके पार्टनर को बेचैन कर रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो, आप बहुत बुरी तरह से नाराज हो गए हो, ऐसा उनको रियलाइज हो रहा है। पार्टनर यहाँ गलत होते हुए इसलिए कहीं ना कहीं आपसे डर भी लग रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि इन्होंने गलती तो करी है, तो गलत तो ये थे। हो सकता है कि इन्होंने गलती करके, चीटिंग करके इस थर्ड पार्टी को ले आए, थर्ड पार्टी को लाकर इतनी पावर दे दी, इतनी स्ट्रेंथ दे दी कि आज यही थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सर पर चढ़कर कहीं ना कहीं नाच नच रही है, कहीं ना कहीं उधम मचा रही है, जिससे आपके पार्टनर को सर दर्द हो रहा है और आपके पार्टनर को बार बार धमकी दी जा रही है कि सारी दुनिया के सामने ये चीजें जो है आने ही वाली है। और आपके पार्टनर को इसी बात का डर सता रहा है कि जब आपको तो पता है, लेकिन आपको पता होते हुए आपने कभी अपने फैमिली, आपने अपने पार्टनर की फैमिली को नहीं शेयर किया, तो इस बात का उस इंसान को अफसोस भी होता है कि आप कितना अपने पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप कितना इस पार्टनर की गलती को छुपाते हो, आपको सब पता है कि ये पार्टनर जो है गलत है, आपके साथ में गलत कर रहा है, फिर भी आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, है ना। फिर भी ये पार्टनर जो है गलती पे गलती करे जा रहा है और इस थर्ड पार्टी का साथ दिए जा रहा है, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बिना किसी शर्त के, बिना किसी वजह के पार्टनर के लिए कितना कुछ करते चले जा रहे हो, कितना कुछ आपने किया है। पार्टनर ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, पार्टनर ने आपके साथ में रिश्ते खराब करे, पार्टनर ने आपको, आपके बच्चों को, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। था पे ध्यान नहीं देना है। अगर मेरे मेल व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनर थी उसने आपके घर परिवार को छोड़कर किसी और की जिंदगी में जाना सही समझा, और यहाँ पर आप उस बात से बहुत नाराज हैं, आप बहुत नाराज हैं डियर, बहुत ज्यादा। पार्टनर ने आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसका भी आपको अफसोस हो रहा है, बहुत रुलाया है डियर इस इंसान ने आपको, आपकी आंखों में आंसू दिया है, आपसे प्रॉमिस बहुत सारे करे हैं, वादे बहुत सारे करे हैं कि ये गलती नहीं करेंगे, ये कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे कि आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन आज जिस इंसान की वजह से आपको इतना रोना पड़ता है, उतना तो आपने कभी अपने परिवार में, अपने घर वालों के लिए या किसी के लिए आपने आज तक इतने आंसू नहीं बहाए थे जितने आंसू इस इंसान के लिए आजकल आप बहा रहे हो। तो आपको अपने आंसू पोंछ लेने चाहिए, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपकी अहमियत को भी जान पा रहे हैं, आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी में जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं डंडे पड़ रहे हैं, और वो होना ही है, क्योंकि देखिए आपके पार्टनर ने कुछ बातें ऐसे सुन ली है इस थर्ड पार्टी के, कुछ ऐसे सीक्रेट सुन लिए हैं कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को जबरदस्त तरीके से पीट डालेगी, जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं धो डालेगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की मिल रही है। पार्टनर के लिए कितना कुछ करते रहे आप बिना शर्त के, पार्टनर के लिए आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, कभी उफ तक नहीं करा, कोई गिफ्ट की डिमांड नहीं करी, कोई चीज आपको नहीं चाहिए, जो दे दिया वो ठीक है, जो नहीं दिया वो भी ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल जिंदगी जीते रहे। हालांकि आपका स्टैंडर्ड इतना अच्छा था, आपके फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा था, आपके पास में किसी चीज की कभी कमी नहीं रही जब आप अपने फैमिली के साथ में रहे, भले ही आपके हालात जैसे भी रहे, लेकिन आप बहुत इंजॉय करते थे, आप बहुत अपनी चीजों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ते थे, अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते थे, खूब खाया पिया करते थे, लेकिन जब से आपने इस इंसान का साथ पकड़ा है, जब से आप इसकी जिंदगी में शामिल हुए हो, तब से आपने सिवाय रोने के कुछ नहीं देखा। शायद आपको लगता है कि आपने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, उसकी बद्दुआ आपको लग गई है, ऐसा कुछ लोगों को फील होता है कि अगर मैंने अपने माता पिता के कहने से अगर ये रिश्ता बढ़ाया होता तो शायद आज ये दिक्कतें नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान को मैंने जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया, इस इंसान को जरूरत से ज्यादा कर दिया, इसलिए इस इंसान को मेरी वैल्यू नहीं है। हालांकि आपकी जिंदगी, आपके लाइफ जो है इतनी बिजी रही है, आप इतने बिजी होकर भी इस इंसान की हर जरूरतों को आप पूरा कर रहे थे, हर ख्वाहिशों को आपने पूरा करा है, चाहे फिजिकली हो चाहे फैमिली के थ्रू हो, पर आपने इस इंसान को बहुत हेल्प करी है, ठीक है, इसके फैमिली को सपोर्ट करा, इसको सपोर्ट करा, इसको फाइनेंशियली ग्रोथ दी है, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पार्टनर पर जो थर्ड पार्टी इल्जाम लगा रही है,
कहीं ना कहीं पार्टनर पर जो थर्ड पार्टी इल्जाम लगा रही है ना, सुनकर पार्टनर की आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। तो रोना तो जायज है ना, क्योंकि आपने, मेरे व्यूवर्स, आपने कभी इस इंसान को एक ब्लेम भी नहीं करा, बल्कि ये इंसान आपको ब्लेम करता रहा, ये इंसान जो है आपको गलत ठहराता रहा। पार्टनर को डर भी लग रहा है ना, इसको ऐसा लग रहा है मुझे कि इस इंसान का जो डर है ना, वो इसके ऊपर हावी हो रहा है, बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। थर्ड पार्टी ने कुछ तो ऐसी बातें आपके पार्टनर के सामने कर दी, कुछ ऐसी हिडन बातें आपके पार्टनर को पता चली है, जो सुनकर आपके पार्टनर दंग रह गए। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर को डर भी लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का पल्लड़ा तो बहुत भारी है डियर, और थर्ड पार्टी के इतने इतना भारी पल्लड़ा देखकर आपके पार्टनर के कदम जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये इतना ज्यादा चीट कर सकती है, इतना ज्यादा धोखा दे सकती है। वो पार्टनर को थर्ड पार्टी से जो प्यार हो रहा था, जो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ अपने इमोशंस लेके जा रहे थे, जो अट्रैक्शन हो रहा था ना, वो सब धरा का धरा रह गया। क्योंकि जब पार्टनर के आंखों के सामने इस थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें ओपन हो रही है, जिसमें देखकर आपके पार्टनर के तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं डियर, तो मुझे ये दिख रहा है कि पार्टनर को डर भी लग रहा है, थर्ड पार्टी का पलड़ा तो बहुत भारी है, और आपके पार्टनर जो है यहाँ पर रो रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि सारी चीजें आपके पार्टनर ने खराब कर दी है ना, कुछ भी सही नहीं हो सकता है। प्यार हो रहा था, पर पार्टनर उस प्यार को पाने की चाहत में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो प्यार प्यार नहीं था, वो प्यार जो है एक समझौता था, एक शर्त थी, एक दायरा था। वो चीज यहाँ पर आपके पार्टनर को समझ आ रही है। अब सारी चीजों के बारे में पार्टनर को पता चलेगा, जो चीजें आपके पार्टनर को जानना जरूरी थी, जो चीजें आपके पार्टनर के सामने आना जरूरी थी, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप यकीन मानिए, पार्टनर को पता चलेगा, दूध का दूध होगा और पानी का पानी। आज तो सिचुएशन ऐसी होके रहेगी, फिजिकल अट्रैक्शन था आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के लिए, फिजिकली आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे, फिजिकली आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी में प्यार नजर आता था, मोहब्बत नजर आती थी, लव नजर आता था, लेकिन सारी चीजें धरी की धरी रह गई। अब उनका वापस आना तय है, क्योंकि यहाँ पर जो जूते उनको पड़ने वाले हैं, जो थर्ड पार्टी उनकी वैल्यू गिराने वाली है, थर्ड पार्टी से उनको जो हेडेक हो रहा है, वो चीजें आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डाउन कर रही है, लॉस में लेके जाएगी इनको, बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। अब उनका वापस आना तय तो है, पर ये एक ऐसे हालात में वापस आएंगे जब लुट पिट जाएंगे, जब इनकी जिंदगी में कुछ बचेगा नहीं। ऐसे हालात में तड़पते हुए, ऐसे हालात में बिलकते हुए ये आपके पास आएंगे, है ना। अब बड़ा फैसला लेंगे डियर आपके पार्टनर, डर को खत्म करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर डर कर सहम कर किस तरह से लेट चुके हैं, किस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बाउंड्रीज बना रहे हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी से वो कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी से बचना चाह रहे हैं। तो अपने इर्द गिर्द एक ऐसा प्रोटेक्शन बना रहे हैं, एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की एनर्जी फील ना हो, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से सर दर्द ना हो, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का बर्डन ना लेना पड़े। थर्ड पार्टी तो दिमाग पे दिमाग लगा रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मजे लेना चाह रही है, काफी मजे ले चुकी है थर्ड पार्टी, और उसके दोस्त मिलके लूट रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के मजे लिए जा रहे हैं, पार्टनर को अब मिल रही है उनके किए की सजा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि पार्टनर ने जो जो चीजें करी है, वो उस पार्टनर को गलत तरीके से भुगतनी पड़ रही है, जबरदस्त सजा दी जा रही है। आपके साथ होगा न्याय, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो है वो ये बता रही है कि अभी आपके पार्टनर को अवेकनिंग की बहुत जरूरत है। आपके पार्टनर जो है अवेकन नहीं होंगे, अवेकनिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, तो डियर वो थर्ड पार्टी के जो चीजें हैं, जो थर्ड पार्टी उनके ऊपर जैसा भी नेगेटिविटी सेंड कर रही है, जो भी इसने किसी से बात करी है आप दोनों के रिश्ते में,
ब्रेकअप कराने की, आप दोनों को दूर कराने की, वो चीजें इस थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं पता चलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इस थर्ड पार्टी के जो सारे हिडन बातें हैं वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाएगी। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी का धोखेबाज चेहरा नजर आने वाला है, और ये धोखेबाज चेहरे के पीछे जो भोली भाली बनकर बैठी हुई थी ये एक नागिन, वो नजर आने वाली है। और आपके पार्टनर जान जाएंगे कि थर्ड पार्टी सच में एक नागिन है जो आपके पार्टनर को डस लेगी, जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के इमेज को, जो आपके पार्टनर की रेपुटेशन को डसने आई है। तो इस बात का डर भी आपके पार्टनर को हो रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो बार बार किसी ना किसी तरह का नया नया प्लान बुनती रहती है ताकि आपके पार्टनर जो है इस केस में फंसे रहें, आपके पार्टनर जो है इस केस में स्टक रहे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी जो है हर तरह से ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रही है कि इसके कारण पार्टनर को सरदर्द होने लगा है, या फिर आपको आजकल बहुत ज्यादा सरदर्द रहने लगा है, आप बहुत ज्यादा सोचने लगे हो, आप बहुत सारे थॉट्स को लेकर फीलिंग्स, बहुत सारे थॉट्स को लेकर इमोशंस रख रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने अपनी विश फुलफिलमेंट पूरी करने के लिए अपने घर वालों से झगड़ा किया, आपने अपने फैमिली को कहीं ना कहीं इग्नोर किया, इसकी तरफ आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। लेकिन इस इंसान ने तो ईगो में आकर सारी ही चीजें समाप्त कर दी, इस इंसान ने ईगो में आकर सारी चीजों का एंड ही कर दिया। इतना बर्डन आपको दे दिया, इतना तकलीफ आपको दे दिया कि जिसकी हद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन मानिए, आपके पार्टनर को सुकून चाहिए, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पर आइसोलेशन में जाकर बैठ गए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पर बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बर्डन नहीं लेना चाहते। इस थर्ड पार्टी की जो भी अननेसेसरी की जिम्मेदारियां हैं, अननेसेसरी के जो वादे हैं, जो प्रॉमिस है, अब आपके पार्टनर नहीं झेलना चाहते। आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी से, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की जो नजरें हैं, थर्ड पार्टी जिस तरह से आपके पार्टनर के बिजनेस को देखती है, जिस तरह से आपके पार्टनर की हर एक चीज को देखती है, स्पाई करती है, ये बात आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से परेशान हो चुके हैं, और उनका एक मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस थर्ड पार्टी से किसी बात पर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज हो चुका है कि ये थर्ड पार्टी जो है इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से डर भी लग रहा था, और अब ये उस डर के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ चीजों के कारण ये डिस्टर्ब हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को समझेंगे, और पैसों को लेकर भी ये पार्टनर जो है अपनी भाग दौड़ संभालने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर ने अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी जो है वो ऐसी कर ली थी कि बिल्कुल भी ये सही से चीजों को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि दो दो किंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के अलावा भी थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई और इंसान है जिसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, उसकी वैल्यू को लेकर आपके पार्टनर जो हैं बहुत सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी को मैंने इतना सब कुछ दिया, उसके बावजूद ये थर्ड पार्टी जो है किसी थर्ड पर्सन की तरफ मुंह मार रही है। ओके, तो वो चीज दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा मुंह मार रही है, बहुत ज्यादा अपने तरीके तौर तरीके बदल रही है, और ये बात आपके पार्टनर को बहुत हर्ट कर रही है। आपके पार्टनर को आपकी खामोशी बहुत असर कर रही है, क्योंकि आप इस तरह से कभी चुप नहीं रहते हो, आप बहुत ज्यादा हंसने खेलने वाले इंसान थे, आप हमेशा चुलबुले इंसान थे, आपके अंदर वो बातें थी कि आप बिल्कुल शांत नहीं रहते थे, लेकिन आज इस दौर में आप बिल्कुल ले रह चुके हो, आपका गम बांटने वाला भी कोई नहीं है, आपके अपने फैमिली मेंबर्स भी आपको यही कहते हैं कि इस पार्टनर को तुमने क्या देखा, इस पार्टनर में तुमने क्या देखा जो अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली, और आप किसी का ताना नहीं सुनना चाहते हैं, इसीलिए आप किसी से कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अकेले ही सह रहे हो। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी से तो डर लग रहा है पार्टनर को कि कहीं चीजें खराब ना हो जाए। पार्टनर यहाँ पर कुछ चीजों को
समझ रहे हैं, पर थर्ड पार्टी जो है कुछ चीजों का, कुछ ऐसी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रही है जिससे यहाँ पर बहुत कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके डियर, तो ये है, आपने देखा कि थर्ड पार्टी डेली अपडेट में क्या निकला है, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी से क्यों डर लग रहा है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर इतना डरने वाली क्या बात है। ठीक है, तो वो चीज हमने देखी है। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है आपको लेकर क्या है। थर्ड पार्टी को लेकर तो बहुत डर है, थर्ड पार्टी को लेकर तो उनके दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। चलिए आपको लेकर आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या वो फील करते हैं आपको लेकर, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कि डिवाइन क्या निकल के आता है। और डियर ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो ये वीडियो मत देखिएगा। ओके डियर, दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करिए ताकि हमें एनर्जीज मिल सके कि आपके पार्टनर जो हैं इस डर वाली सिचुएशन में आपको फील करते तो क्या करते, आपके बारे में अगर वो सोचते तो क्या करते और क्या उनके एनर्जीज है। ठीक है, तो वो चीज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपको लेकर, आपके पार्टनर जो हैं वो क्या फील कर रहे हैं। काफी कार्ड्स हमने निकाले हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या फील करने वाले। वाओ, क्या बात है, आपके पार्टनर को कुछ खास डिसीजन लेना है, कुछ चीजों के बारे में सोचना है, क्योंकि उन्हें आपकी अहमियत पता चल चुकी है। थर्ड पार्टी ने तो उनको किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, आपके पार्टनर वापस से आप ही की तरफ दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, आप ही की तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, आपको प्रपोजल दे सकते हैं, आपको किसी तरह का कमिटमेंट दे सकते हैं। रीबर्थ की एनर्जी है, जो रिश्ता खत्म हो गया है उस रिश्ते को दोबारा से शुरू करने के बारे में विचार आपके पार्टनर के दिल में चल रहे हैं। सब कुछ बैलेंस करेंगे, सब कुछ मेंटेन करेंगे डियर, जितने इमोशंस है, जितनी फीलिंग्स है वो सही से आपको बताएंगे। तो वो चीज मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है। वाओ वाओ वाओ, क्या बात है, शादी शादी कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको देंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बहकावे में ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, थर्ड पार्टी से इतना डरते थे कि ये कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे थे, लेकिन अब को आप में बहुत ज्यादा चीजें समझ आ रही है, बहुत सारी चीजें रियलाइज हो रही है, और आपकी खामोशी का जो असर इन पे पड़ा है वो इतना ज्यादा पड़ गया है कि इनको आपके साथ में मैरिज करना है, कमिटमेंट में आना ही है। बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, मैनिफेस्टेशन चालू है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं चीजों को सही करने का, राइट टाइम का। और डियर आपके पार्टनर को पता है कि राइट टाइम आ चुका है, और ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है उनमें आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो राइट टाइम आ चुका है, आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं, आपके पार्टनर की अवेकनिंग चल रही है, आपके लिए बहुत सारे इमोशंस यहाँ पर निकल रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे डियर। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये रिश्ता जो खत्म हो रहा था, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं था, इस रिश्ते की एंडिंग जो हो रही थी, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये पार्टनर जो है रीबर्थ के एनर्जी में है, नए सिरे से नई लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने वाली एनर्जी आ रही है, प्रपोजल आपको मिल सकता है, कोई अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि एक अच्छा प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है, एक अच्छी चीजें आपकी तरफ बढ़ रही है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, देखिए बैलेंस तो होगा इस रिश्ते में, और आपके पार्टनर को अपने इमोशंस, अपना प्यार, अपना कप आपको देना है, तो वो एक बात भी आपसे बोलना चाहते हैं कि जितना उन्होंने कहीं ना कहीं डर के कारण आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया था, मैनिफेस्ट जरूर करते थे आपको लेकर, पर उन्हें अब लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन वर्क कर गया है और आप उनकी बाहों में आ गए हैं, आप उनकी जिंदगी में वापस आ गए हैं, और बस इनको आपके लिए स्टैंड लेना है। अब ये किसी से नहीं डरेंगे डियर, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें काफी डरा लिया है, थर्ड पार्टी ने काफी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप करा दिया है,
लेकिन अब आपके पार्टनर जो हैं इस ब्रेकअप से बाहर निकलेंगे। ये ब्रेकअप भरी जिंदगी उनको नहीं जीना है, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये सारी चीजों को सही करेंगे। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको लगा कि आपके पार्टनर को किस बात का डर सता रहा है, एक तो इस थर्ड पार्टी के चालबाजियों का डर सता रहा है, दूसरा आपको खोने का डर सता रहा है, तीसरा डर इनके दिमाग में ये है कि इनकी रेपुटेशन चली जाएगी, इनकी इज्जत चली जाएगी, लोगों को अगर पता चल गया कि ये कैसी एनर्जी में रहते हैं, तो उस बात का डर भी इन्हें सता रहा है। ओके डियर, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।